जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आज हम एक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कंसिडर अ डायपोल ऑफ लेंथ एल। ठीक है, वी हैव अ डायपोल विच फॉर्म्ड बाय अ पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज विच विल बी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एल। ठीक है, और जो हमारा क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, इसका ओरिजिन से फासला है आर वेक्टर, और जो हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसका ओरिजिन से फासला है आर प्लस एल वेक्टर, जो कि हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमें रिक्वायर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल फाइंड करने से पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। जब हमारे पास इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाती हैं, देन हम इनको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, जी सो ये हमारे पास आ गई है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू। ठीक है, इसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पहले फाइंड करनी है इस वाले चार्ज। सो वो आएगी बच्चों हमारे पास, पहले आप बताएं मुझे कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उसी फार्मूले से हमारे पास अगर देखें जो वर्क डन हो रहा है, अगर हम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लें तो हमारे पास यू आ जाएगा इक्वल पी इन टू क्यू इस इक्वेशन से। सो यहाँ पे क्यू पॉजिटिव चार्ज था तो हमारे पास क्यू ही मैग्नीट्यूड रही इसकी, और साथ में वी एक्सटर्नल आर वी एक्सटर्नल ऑफ आर प्लस एल, ये ई एक्स टी मतलब वी एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो भी क्या होगा, एक्सटर्नल ही होगा ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगी, माइनस क्यू। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस क्यू है वी एक्सटर्नल ऑफ आर। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सम अप कर देना है। जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है, और ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, इन दोनों को सम अप कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, सो इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास जो क्यू क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था, इसको हमने बाहर निकाल लिया, और अंदर वाली फर्स्ट टर्म को हम एक्सपेंड करेंगे बाय टेलर सीरीज। ओके, जब हम इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे इस वाले टर्म को, तो हमारे पास कुछ ही वाली आ जाएगी, और इसमें हम हायर टर्म्स को क्या कर देंगे बच्चों, निगलेक्ट कर देंगे। अब ये टेलर सीरीज़ हमने अप्लाई कैसे की है, हमने अप्लाई की है ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए। बच्चों यहाँ पर जो ए का काम है वो आर कर रहा है, ठीक है, और जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, वी एक्सटर्नल है, और ए का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है, जबकि हमारे एल एल का काम क्या कौन कर रहा है, यहाँ पे एक्स कर रहा है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, ये है हमारे पास एफ ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पे आएगा एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, एफ डैश ऑफ ए मतलब डेरिवेटिव, वो मैं लगाना डेरिवेटिव का साइन भूल गई हूँ, लेकिन क्या आएगा, एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स, डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, ऐसे आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ए का काम मैंने बोला कौन कर रहा है, आर कर रहा है। ठीक है, आप साथ साथ इसको भी देखते जाएं, ए का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है, और हमारा फंक्शन क्या है, वो है पोटेंशियल। ठीक है, वी एक्सटर्नल। सो हमारी जो फर्स्ट टर्म आएगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, वी एक्सटर्नल ऑफ आर। ठीक है, क्या आएगी, वी एक्सटर्नल ऑफ आर प्लस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, डेल वी एक्सटर्नल ऑफ आर। ठीक है, डॉट करवाएंगे किसके, अपने फंक्शन एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एल कर रहा है। ठीक है, तो वो हमने साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो हायर टर्म्स आनी थी एल स्केयर वाली, एक्स स्केयर है ना इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, एक्स स्केयर है, जो हायर टर्म्स आनी थी उसको बच्चों आपने क्या कर देना है, उसको निगलेक्ट कर देना है। सो वो वाली मैंने टर्म्स यहाँ पर नहीं लिखी, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखी। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई हैं बाय अप्लाइंग टेलर सीरीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब हमने फर्दर इसको मूव ऑन करना है। हाँ जी, सो इस इक्वेशन में हमने अपनी टेलर सीरीज जो है वो अप्लाई की थी,
और माइनस वी एक्सटर्नल एज इट इज़ यहाँ पे हमने उतार दिया। ओके अब ये माइनस वी एक्सटर्नल और ये वी एक्सटर्नल ऑफ आर, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, कैंसल आउट हो गए हैं। ओके पीछे हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बची है वो है ये वाली एल डॉट डेल वी एक्सटर्नल ऑफ आर, जो बाहर हमारे पास क्यू था इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब क्यू इंटू एल क्या होता है हमारे पास, डायपोल मोमेंट होता है जिसको आप स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करवाते हो, ठीक है स्मॉल पी से। हाँ जी सो हमारे पास ये आ गया क्यू एल की जगह पे हमने रिप्लेस करवा दिया पी जो कि हमारा डायपोल मोमेंट है इंटू डेल वी एक्सटर्नल ऑफ आर। अब बच्चों ये डेल वी एक्सटर्नल ऑफ आर आपको पता है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है तो हम इसकी जगह पे रिप्लेस करवा देंगे माइनस ई। इस सारी टर्म की जगह पे क्या रिप्लेस करवा दोगे आप, माइनस ई। ओके अगर आपको पोटेंशियल के टर्म में जो है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो आप ये वाली जो इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो और आप फाइंड करना चाह रहे हो पोटेंशियल एनर्जी तो आप ये वाली टर्म भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है कहने का मतलब ये। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।